चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। किंग्समेट डरबन का मैदान है, बहुत ही प्यारा स्टेडियम है, समुद्र के पास ये स्टेडियम स्थित है। तो इस वेन्यू के ऊपर लास्ट मैच कब खेला गया था? ये हुआ था 15 जनवरी 2024 को। मैच था यहाँ पे डरबन सुपर जायंट्स बनाम जोबर्ग सुपर किंग्स के बीच में। क्या हुआ था इस क्लैश के अंदर? हुआ कुछ नहीं, जो होम टीम थी पहले बैटिंग करने आती है डरबन की, 145 बनाती है, 146 का टारगेट देती है 8 विकेट के नुकसान पे, और जो अवे टीम थी जोबर्ग वो 108 रन पे रुक गई 9 विकेट गवा के। फिर इससे पहले 207 बना था 5 विकेट के नुकसान पे, और जो टीम चेस करने आती है, फिर जो होम टीम थी डरबन सुपर जायंट्स, बारिश आती है मैच के अंदर और वो डीएलएस रन के आगे चल रही होती है, 177 बना दिया था उन्होंने 16.3 ओवर्स के अंदर, 190 बना टारगेट चेस 18 ओवर में, 164 बना टारगेट चेस मात्र 15 ओवर के अंदर। तो भी एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है, और जो पिछला मैच हुआ था वो पिच स्लो साइड की तरफ थी और वहाँ पे बॉल ग्रिप कर रही थी, तो भी आपको देखना जरूरी है कौन सी पिच पे मैच हो रहा है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम हाई स्कोरिंग पिचेस होती है स्टेडियम, आपको पता होगा 7-8 पिचेस होती है, उनमें से मोस्ट ऑफ द पिच यहाँ पर हाई स्कोरिंग है, 1-2 पिचेस यहाँ पर लो स्कोरिंग रहती है जहाँ पर आपको टर्न देखने को मिलता है इतना। तो देखते हैं क्या होता है इस क्लैश में। डरबन सुपर जायंट्स इस वेन्यू पे 6 मैचेस खेली है, 4 जीती है, इनको होम ग्राउंड है, 2 मैचेस में यहाँ पे इनको हार मिली है। सनराइजर्स ईस्टर्न केप लास्ट सीजन के अंदर यहाँ पर खेलने वाली थी बट बारिश आ जाती और मैच कॉल्ड ऑफ हो गया था। बैटिंग फर्स्ट 5 मैचेस जीते गए, चेस करते हुए इस वेन्यू पे 8 मैच जीते गए, पिछले 13 मुकाबलों की बात करता हूँ। इस वेन्यू पे आप मैचेस देखते हो तो क्लियरली चेस वाली टीम को एडवांटेज मिलता है, ये प्रॉपर डे गेम है, वहाँ पे 1:30-2 बजे के आसपास ये मैच स्टार्ट होगा, तो एकदम वेदर क्लियर रहेगा, सूरज की किरणें आप स्टेडियम पे आएगी, धूप खिली होगी, तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि अंडर लाइट्स बॉल अच्छा आएगी बैट स्किड करके, दैट इज नो फैक्टर। दोनों इनिंग्स में स्पिन भी देखने को मिलेगा आपको। डरबन सुपर जायंट्स होम ग्राउंड है, प्रति ओवर यहाँ पे 9 के आसपास रन बन जाते हैं, और जो लास्ट मैच था DSG वर्सेज JSK का, उस मैच में 5 विकेट स्पिनर का था, 12 विकेट पेसर्स के थे। ओवरऑल विकेट कॉलम लास्ट 13 मैचेस के अंदर पेसर्स ने 110 विकेट निकाला है, पहली पारी में 58, दूसरी पारी के अंदर 52, राइट आर्म पेसर्स 90, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 20 विकेट है। स्पिनर्स की बात करते हैं 39 विकेट्स है, पहली पारी में 19, दूसरी पारी के अंदर 20, ऑफ स्पिनर्स का 9, लेग स्पिनर्स का 8, चाइनामैन का 3, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 19 विकेट है। हम मेनली क्या है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेसर्स उनको डोमिनेशन रहा और बैटर्स का शॉर्ट बाउंड्रीज होती है, ये पिछले मैच में पिच की फोटो आप देख सकते हैं, इस तरह से पिच दिखी थी है, और जो यहाँ की पिच रहती है किंग्समेट डरबन की, ऐसे 26 वेन्यूज के ऊपर हो रहा है, उनमें से 3rd फास्टेस्ट एंड बाउंसीएस्ट पिच आपको किंग्समेट डरबन की दिखती है आफ्टर सुपर सोर्स पार्क एंड न्यूलैंड्स। सामने की बाउंड्री 74, स्क्वायर बाउंड्रीज आपको 55-61 मीटर की देखने को मिल जाती है, और जो पहला मैच था तब आपको 64-58 मीटर की स्क्वायर बाउंड्रीज देखने को मिली थी। अभी देखिए इस वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस हुए हैं, ये स्टेडियम का व्यू आप देख सकते हैं, इस तरह से व्यू आता है, बहुत से दर्शक यहाँ पे मैच देखने आते हैं, और ये समुद्र है दिख रहा होगा आपको इस तरफ, बहुत अच्छा व्यू आता है स्टेडियम का, ये देखो आप, ये स्पेशल पिच रिपोर्ट है, रात के टाइम पैसा स्टेडियम दिखता है, कैसे लगे मेरे को कमेंट करके बताना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो।